अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बताने दिखाने जा रहा हूं। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी को विदित है कि साल 2020 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस टेस्ट को कम्प्लीटली ऑनलाइन कर चुका है और ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज से डर रहे हैं कि उन्होंने पहले कभी नहीं कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली है। तो आप सभी के प्रैक्टिस के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था की है। और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया करके किसी लैपटॉप में या पीसी पर बैठ करके इस टेस्ट को जरूर एक से दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एक विद्यार्थी कितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बूस्टअप हो जाएगा और कोई भी डर, जितना भी संशय था, डर था, कोई भी भय था कंप्यूटर या ऑनलाइन टेस्ट को लेकर के, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। एक एक चीज को मैं बहुत ही बारीकी से बताऊंगा, आप कृपया करके इसे पूरा देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। साल 2020 में 5 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स यूईटी और पीईटी एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। तो ऐसे में जरूरी है कि उन्हें मॉक टेस्ट एक बार कम से कम प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि किसी भी सर्च इंजन पर जाना है, लिखना है www.bhuonline.in। तो ये वेबसाइट खुलेगी जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है जहां लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एडमिशन एकेडमिक सेशन 2020-21। यहां लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 12 मार्च 2020 लिखा हुआ है। इसके ठीक नीचे इंग्लिश हिंदी के नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से सीबीटी मॉक लिंक। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मॉक लिंक क्लिक हेयर पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगला पेज खुलता है जहां पे सिस्टम नेम जॉन स्मिथ के नाम से पहले से सेव है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट ने सब कुछ ऐसा कर दिया है और आपका आईडी पासवर्ड भी पहले से इसमें फीड है। आपने बस सिर्फ यहां पर साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करते ही अगले कुछ सेकंड में हमारा मॉक टेस्ट का ये चीज शुरू होने जा रहा है और अगले, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक से दो सेकंड में खुल भी जाएगा। आपके स्क्रीन पर भी ऐसा ही होगा। हाँ, तो ये खुल गया। यहां जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जहां लिखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चन आप आंसर करेंगे वो ग्रीन से सिग्नल करेगा, जिसको नहीं किया है वो रेड हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन को आपने रिव्यू के लिए रखा हुआ है, मान लिया जाए कोई क्वेश्चन देखा हमें डाउट आ रहा है तो रिव्यू के लिए रखा हुआ है, तो वो आपका वॉलेट होगा। जिस क्वेश्चन को अभी तक आपने देखा नहीं है, जहां तक पहुंचा नहीं है, तो उस क्वेश्चन नंबर के सामने आपका ये व्हाइट स्ट्रिप रहेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए आपको ये भी लिखा हुआ है कि यू कैन डायरेक्टली क्लिक टू नेविगेट एनी ऑफ द क्वेश्चन। मान लिया जाए आप 100वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और आपको मन करता है कि 20 नंबर क्वेश्चन पे मैं डायरेक्ट पहुंचूं, तो आपको पन्ना उलटने की जरूरत नहीं है जैसे ऑफलाइन टेस्ट में करते थे। डायरेक्ट 20 बटन पे क्लिक करना है और आपका क्वेश्चन नंबर वहां पर आ जाएगा। चलिए हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। सब कुछ पढ़ते हुए आगे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपका एक और चीज आता है मॉक टेस्ट के लिए प्रश्न। ये लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो 4 खंडों में 1, 2, 3 और 4 में विभाजित है। खंड अ 1, 2, 3 में सामान्य जागरूकता, मानसिक योग्यता और अंक गणितीय योग्यता में 30-30 प्रश्न है। खंड ब में जो चौथा सेक्शन है अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के 30-30 प्रश्न है। यहां यह भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और प्रत्येक गलत उत्तर 1 अंक काट लिया जाएगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी है। ये सही बात है, ये तो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, आपको विदित भी है। कोई भी प्रश्न जिसको आप अनआंसर्ड छोड़ते हैं उसका कोई भी अंक नहीं है, एक भी अंक नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में इस जगह पे आपने क्लिक करना है एंड फाइनली अब आप टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ये लिखा हुआ है कि अस्वीकारण, यह मॉक टेस्ट अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी की जानकारी प्रदान करने और अभ्यस्त बनाने के लिए दिया गया है। यहां दिए गए प्रश्न खंड एवं प्रश्नों के प्रकार केवल सांकेतिक हैं और इनका अभिप्राय अभ्यर्थियों को सीबीटी से केवल अवगत कराना है। परीक्षा में
वास्तविक प्रश्न खंड और प्रश्नों के प्रकार यहाँ दिए गए प्रश्नों से काफी भिन्न हो सकते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी भाषा, अंक गणितीय, मानसिक योग्यता के लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके भी कोर्सेस में सारे के सारे प्रश्न उत्तर ऐसे ही होंगे। नहीं, ये तो बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। आपके प्रश्न पैटर्न क्या होगा वो हमने वीडियो के थ्रू ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो, और आप देख सकते हैं जहां जाकर के, इवन महामना एजुकेशन हब को सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। अदरवाइज आप नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं कि आपका कोर्स क्या है और उसका पैटर्न क्या है। अब इतना सब कुछ जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले 1 से 2 सेकेंड के अंदर में आपके सामने प्रश्न पत्र हाजिर होगा और आप जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आइए, प्रोसेस हो रहा है और ये हमारा प्रश्न पत्र हमारे सामने आ गया। ये देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। द स्कूल प्रिंसिपल हैज रिसीव्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स बट बुलिंग इन द स्कूल एंड ड्यूरिंग रिसेस। ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्टिगेट एंड एंड दिस सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल, सो ही हैज आस्क्ड द रिसेस एड्स टू वॉच क्लोजली। Which situation should Rhesus aides report to the principal? 4 girls are surrounding another girl and seem to have possession of her backpack. A girl is sitting gloomy on the bench reading a book and not interacting with her peers. 3 boys are huddled over a handheld video game which isn't supposed to be on school grounds. 2 boys are playing one by one game and basketball and arguing over the basketball score. ठीक है ना? तो ये complaints हो रहे थे कि कुछ ऐसा हो रहा है कि school yard में वो लोग bullying कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कौन सा situation उनके अनुसार सही होगा? तो ये होगा आपका 3 number वाला। alright, 3 number वाला होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 next कर देते हैं। Which of the following is an igneous rock? Granite है, marble है, shale है, quartzite है। ऑलराइट, तो इग्नियस रॉक है अपना ग्रेनाइट। ऑलराइट, तो ग्रेनाइट को सेव करके हम आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर, यहां 4, 4, 8, 24, 96, 420 और यहां पर क्या होगा? तो यहां पर ये होगा 2880। तो ये नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, मैं सारे टेस्ट को तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जिस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट नहीं किया है वो देखिए, ये उस क्वेश्चन को हमने देखा तो है लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके सामने यहाँ पर रेड सिग्नल आ गया। जिसको हमने आंसर कर दिया है वो 1, 2, 3 आ गया। और हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज द सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर, तो लैरी पेज और ये है, या फिर बिंज स्टोन है, या क्रेम है, ये देखिए, तो हमने इसको क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7 next जैसे ही करते हैं तो हमारे इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं जिसमें हमने 4 अटेम्प्ट किए हैं और 5 नहीं अटेम्प्ट किए हैं। तो जिसको नहीं अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन देखने के बाद, उसके सामने रेड हो गया। अब मान लिया जाए हम 9 क्वेश्चन से डायरेक्ट 30 क्वेश्चन नंबर पर जाना चाहते हैं, तो हम अभी 30 पे क्लिक करते हैं। अभी देसी 30 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आके उद्धृत हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेट ऑन विच द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज सेटअप। तो ये आपका 31 मार्च 1946 को मान लिया जाए सेटअप किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये देखिए, तो 30 नंबर क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिया है और आप इसे देख सकते हैं। ये सेक्शन 2 में अब चला गया, मान लिया जाए हम सेक्शन 1 में ही अभी रहते हैं। तो देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिया है, बाकी ये सारे के सारे हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है। मान लिया जाए सेक्शन 3 में हम सीधा कूदना चाहते हैं, तो सेक्शन 3 पर हम क्लिक करते हैं और हमारे सामने सेक्शन 3 के इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखिए, आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से प्रश्न है। मान लिया जाए हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसको 10 डिग्री डिक्रीज करते हैं, 7 next करते हैं, तो इस तरीके से हो गया। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये चीज करनी क्या है इसमें। ऑलराइट, तो यही बात है। मान लिया जाए, एक चीज और बाकी रह गई कि मार्क फॉर रिव्यू। मान लिया जाए ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आप उस समय सॉल्व कर पा रहे थे लेकिन आपका आंसर ठीक नहीं आ पा रहा था और आप समझते हैं कि इसको क्वेश्चन को छोड़ो, अभी आगे बढ़ जाते हैं और इस क्वेश्चन को हमने रिव्यू के लिए रखा हुआ है ताकि हम बाद में इसे सॉल्व कर लें जब सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट,
तो मार्क फॉर रिव्यू जैसा ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए वायलेट कलर आपके सामने उद्धृत हो गया राइट साइड में इस बटन पे। और जब आप 25 नंबर क्वेश्चन करने के बाद, मान लिया जाए 26 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें मन है कि अरे हमने 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो सीधा का सीधा यहाँ आपको ये सिग्नल वायलेट कलर इंगित कर रहा है कि इस क्वेश्चन को तो हमने रिव्यू के लिए रखा था, तो 5 नंबर क्वेश्चन पर फटाफट हमने क्लिक किया और ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, उसको सॉल्व करके हमारा आंसर मान लिया जाए रूट 2 हो गया, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरीके से संपूर्ण प्रक्रिया आपकी होगी, सेव एंड नेक्स्ट करते चलना है, आगे चलते चलना है और लास्ट में जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो आपको इनफैक्ट बताया भी जाएगा कि सबमिट कर दीजिए। और तो यहाँ पे आपने सबमिट कर देना, ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका टाइम भी चल रहा है, ये आपके लिए 2 घंटे का प्रश्न था और हमने 5 मिनट खर्च कर दिए, अभी 115 मिनट 2 सेकंड बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपके राइट साइड में घड़ी भी लगी रही है, ये डिजिटल क्लॉक चल रहा है जो आपको बता रहे कि कितना समय बाकी है, कितना समय खर्च हो गया, और सबमिट फाइनली हमने जब कर देना है तो ये हमारा सबमिट हो गया। सेक्शन 1, 2, 3 से हमने कितने क्वेश्चन किए सब कुछ पता चल गया, पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन किए थे, तीसरे सेक्शन में 4 क्वेश्चन किए थे, ऑलराइट, नॉट आंसर्ड 5, यहां पर देखिए नॉट आंसर्ड 1, नॉट आंसर्ड 3, टोटल नॉट विजिटेड 20, 29 और 30। तो ये सब कुछ लिखा हुआ एग्जाम समरी आपका ऐसा ही बिल्कुल टेस्ट होगा जैसा आपने देखा। तो संपूर्ण प्रक्रिया जो है, संपूर्ण परीक्षा जो है इसी तरीके से होगी। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी, 5 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वो सभी के सभी इस टेस्ट को जरूर लें, क्योंकि BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो काइंडली शेयर द वीडियो, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो कर ही दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ साथ हिंदुस्तान के लगभग सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के और उसमें कोर्सेज को लेकर के सारी जानकारी आपको महामना एजुकेशन हब देता है, जिसको पढ़कर सुनकर देखकर आप जरूर हिलाभान्वित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, गुड लक एज ऑलवेज, नमस्कार वंस अगेन।